जय बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को होते हैं, किसी यात्रा पर निकलने को होते हैं, तो यात्रा के पूर्व कुछ तैयारी करते हैं बिना तैयारी के यात्रा में असुविधा होती है। और जब भी आप तैयारी करते हैं तो उसका आधार होता है पूर्व आकलन। मुझे अमुक जगह जाना है, वहाँ क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या होगी और मुझे किन किन बातों को फेस करना पड़ेगा, किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते हैं। और जब आप पूरी तरह से तैयार होकर के तैयारी के साथ यात्रा पर निकलते हैं तो आपको यात्रा का पूर्ण आनंद मिलता है। आज मैं आपसे उसी तैयारी की बात करने जा रहा हूँ। आज बात है ताकि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। वस्तुतः तैयारी का सवाल है। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि वो दुनिया की बातों में जितनी तत्परता दिखाता है, पारमार्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रायः तैयार नहीं होता। आपसे अगर कोई व्यक्ति किसी मौज मस्ती की बात करे, गोरख धंधे की बात करे, दुनियादारी की बात करे तो उसके लिए मन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन त्याग तपस्या की बात करे, संयम साधना की बात करे, पुण्य आराधना की बात करे, लोक कल्याण की बात करे तो उसके लिए मन जल्दी से तैयार नहीं होता। आज हमें बात करनी है कि मेरा मन किसके लिए तैयार है और किसके लिए मुझे मन को तैयार करना है, मेरी तैयारी कैसी है और मुझे कैसी तैयारी करना है। आज अपने मन से पूछो। पाप कार्य के लिए मन 24 घंटे तैयार है पर धर्म कार्य के लिए कितना तैयार, बोलो। आप लोग कहते प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ये कहावत है। मुश्किल ये है कि हम दुनियादारी की बातों में हर पल तैयार हैं पर जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए उसके प्रति उदासीन क्यों। मन की दुर्बलता है, मन में संस्कार कुछ ऐसे पड़े हैं जिनके कारण मन हर पल उन बातों के लिए उत्सुक रहता, उत्साहित रहता है। अनादि के संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं जो गोरख धंधे के हैं, भोग विलास के हैं, मौज मस्ती के हैं। उनमें हमारा मन बहुत जल्दी उलझ जाता, आकर्षित होता है। आज हमें अपने मन को मोड़ना है, मन को मोड़ना है। जिसके लिए अब तक वो तैयार नहीं हुआ उसके लिए उसे तैयार करना है। अपने मन से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, अपने जीवन में चाहते क्या हो। मन से पूछो,
क्या चाहता है मन? हाँ, सुख शांति कहता है मन। जब भी पूछोगे क्या चाहते हो, सुख शांति, लेकिन मन की दुर्बलता है कि वो उनके माध्यम से सुख शांति चाहता है जिनसे आज तक दुख और अशांति मिले। जैसे कोई उदंड बच्चा होता है, उच्छृंखल प्रवृत्ति करता है, गलत रास्ते पर जाता है, माँ बाप उसे समझाते हैं, वो एक पल को मान भी जाता है लेकिन जल्दी से अपनी राह बदलने के लिए तैयार नहीं होता, और नन्हे बच्चे को बताने पर वो जल्दी से राह बदलने के लिए तैयार नहीं होता, वैसे ही हमारा ये उद्दंड मन है जो बार बार समझाने के बाद भी सतपथ पर चलने के लिए तैयार नहीं होता। इस मन को तैयार करना है, विपथगामी मन को सतपथ पर लगने के लिए तैयार करो। और अगर इसके लिए तुम्हारा मन राजी हो गया तो फिर तुम अपने मन के मालिक हो गए, शहंशाह बन गए। जो अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो जाता है, सच्चे अर्थों में वही अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाता है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं मन को तैयार करने के लिए। दो तरह के लोग दुनिया में दिखते हैं। कुछ लोग हैं जो पाप के कार्य में 24 घंटे तत्पर रहते हैं, उसके लिए कहो तुरंत तैयार, भैया ये काम करना है, राजी, तैयार, बोले हम तो खड़े। अच्छे कार्य के लिए उनसे बोलो 100 बहाने। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा अवसर आता है, सूचना पाते ही वो तैयार हो जाते हैं। तुम कहाँ हो? मनुष्य की जैसी रुचि होती है वैसी तत्परता होती है और उसी अनुरूप तैयारी होती है। अगर रुचि भोग की है तो तुम भोगों के लिए तैयार होगे, और रुचि धर्म की है तो तुम्हारा मन धर्म के लिए तैयार होगा। अपनी रुचि का परीक्षण करो, मेरी रुचि कैसी है? अगर पाप रुचि है तो मुझे उस रुचि को बदलना है, पाप रुचि को पुण्य रुचि में बदलना है। आप तैयार हो? हाँ, सबसे पहले रुचि बदलिए। किसको बदलिए? रुचि बदलने को तैयार हो जाइए। रुचि बदलने के लिए तैयार हो, इसका मतलब हम क्या करें अपनी रुचि को बदलने के लिए, क्या करें? तो सबसे पहली बात, अगर रुचि बदलना चाहते हैं तो आप संगति करें, सत्संगति करें। जैसे लोगों की संगति में आप रहेंगे आपकी वैसी अभिरुचि होगी। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। पापियों के मध्य रहोगे पाप रुचि बढ़ेगी, और धर्मी के मध्य रहोगे तो धर्म रुचि बढ़ेगी, पुण्य रुचि बढ़ेगी। आप अगर चाहते हैं और इस बात के लिए तैयार हो कि मुझे पाप रुचि को समाप्त करके धर्म रुचि जगानी है, पुण्य रुचि जगानी है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो अपने मन को पहले इस बात के लिए तैयार करो कि अब मुझे सत्संग में रहना है, अच्छी संगति करना है, सत्पुरुषों का सानिध्य लाभ लेना है। यदि ऐसा सत्संग तुम्हारे जीवन से जुड़ गया तो जीवन का रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, तुम्हारा अंतरंग बदलेगा। रुचि बदलिए। जिन बातों में अब तक तुम्हारी रुचि रही है उसने तुम्हारे जीवन का पतन किया है। अब ऐसी रुचि जगाओ जिससे जीवन का उत्थान हो। रुचि बदलिए, और रुचि बदलने के लिए मनुष्य को पहले संगति बदलना है, सत्संग की अभिरुचि। जितनी आपकी गहरी होगी जीवन का पथ उतना प्रशस्त होगा। तो अपनी रुचि बदलने के लिए पहला सत्संग। महाराज सत्संग में रुचि हो तब तो मुश्किल है,
कईयों को सत्संग में रुचि नहीं होती और कईयों को सत्संग की इतनी गहरी रुचि होती कि उसके बिना और कुछ रुचता ही नहीं। ध्यान रखने की बात है। कहा गया है, पुण्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग, दाख पके तब काख के होए कंठ में रोग। जब तक मनुष्य का भाग्य नहीं जगता तब तक उसकी बुद्धि नहीं बदलती, उसकी रुचि नहीं पलटती। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे मन में धर्म की रुचि है, तुम्हें सत्संग का सौभाग्य मिला है और ये लाभ तुम्हें मिला है तो इसका पूर्ण लाभ उठाओ। अपनी रुचि को ऐसी मोड़ो कि पाप रुचि पुण्य रुचि में बदल जाए। अपनी भीतर की तैयारी करो। अभी तक मैं बर्बादी के रास्ते पर चला हूं, अब मैं उन्नति के मार्ग को अंगीकार करूंगा। अभी तक मेरा पतन हुआ है क्योंकि मैंने पतन के रास्ते को चुना, अब मैं अपने उत्थान के रास्ते पर चलूंगा। ये सोच यदि हमारी जग गई तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। सत्संग की रुचि बढ़नी चाहिए, गहरानी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं, महाराज हम आपके प्रवचन को बड़ी रुचि पूर्वक सुनते हैं, आपके प्रवचन के बिना मन नहीं लगता, रोज सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, हम महाराज प्रवचन भी सुनते हैं, शंका समाधान भी सुनते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि महाराज हम तो शंका समाधान दोनों बार सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं और 9:40 पर भी सुनते हैं। उसमें आप भी शुमार होंगे, ये आपकी रुचि की अभिव्यक्ति है। तो आपकी सत्संग में तो रुचि हो गई, पर जिसके लिए सत्संग है उसमें रुचि हुई कि नहीं, अब ये हमें देखना है। अगर हमने अंतरंग से सत्संग किया है तो तय मानकर चलना, हमारी रुचि बदले बिना नहीं रहेगी। और रुचि बदलते ही हमारे लक्षण बदल जाएंगे, फिर हमारी तैयारी दूसरी होगी। देखो अपने मन को, पूछो मैंने सत्संग किया, सत्संग पाया, मेरी रुचि बदली है, तो अब मैं अपने आप को तैयार करूं। जिनकी रुचि नहीं है पहले सत्संग से जुड़े, सत्संग से उनकी रुचि बदलेगी और वो धीरे धीरे अपने आप को मोड़ने में समर्थ होंगे। दूसरा अपनी रुचि को बदलने का माध्यम है स्वाध्याय। नियमित स्वाध्याय करो, तुम्हारी रुचि बदलेगी। बिना स्वाध्याय के रुचि नहीं बदलती। बंधु एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जैसे शरीर को खुराक देना जरूरी है वैसे ही मन को भी खुराक देना आवश्यक है। बल्कि मैं कहूंगा तन की खुराक से भी ज्यादा आवश्यक मन की खुराक। तन को कदाचित खुराक न मिले तो तन सुस्त होगा, लेकिन मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट होता है। सुस्त तन से हमें उतना नुकसान नहीं जितना भ्रष्ट मन से है। तो मन को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए हमें हमेशा उसे खुराक देने की आवश्यकता है। वो खुराक है स्वाध्याय की। नियमित स्वाध्याय कीजिए, आपकी रुचि बदलेगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके सत्संग में आने के बाद रुचि बदली, स्वाध्याय करने के बाद रुचि बदली। कई लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज जब से हम सत्संग में आए हमारी तो रुचि बदल गई, पहले हम कुछ और सोचते थे अब कुछ और है। एक सज्जन है, बोले महाराज, युवक ही है, ज़्यादा उम्र नहीं, बोले महाराज जब तक आपके संपर्क में नहीं आए थे हर छुट्टी को हम पहले से प्लान करते थे और भारत से बाहर जाते थे, अब आपके सत्संग में आने के बाद लगता है फालतू का काम है, अब जब भी छुट्टी मिलती है या तो आपके पास आने का मन होता है या किसी तीर्थ में जाने का मन होता है। ये रुचि का परिवर्तन है। रुचि जैसी होगी वैसी प्रवृत्ति होगी।
सत्संग से रुचि बदल गई। एक व्यक्ति स्वाध्याय से जुड़ा और स्वाध्याय से जुड़ने के बाद उसके खान पान आचार विचार व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। 32 साल का युवक रात के पानी तक को त्याग दिया। बोला महाराज अब रुचता ही नहीं, लगता है जिन बातों में पाप है उन्हें हम क्यों करें, जिससे हमारा पतन हो वो रास्ता हम क्यों अपनाएं। रुचि का परिवर्तन जीवन के परिवर्तन का आधार है। रुचि बदलेगी, सत्संग से रुचि बदलती है, स्वाध्याय से रुचि बदलती है। नियमित स्वाध्याय कीजिए, नियमित सत्संग कीजिए, देखिए आपकी रुचि में कितना बड़ा अंतर आता है। वो रुचि ऐसी बदले कि कई बार व्यक्ति खुद पर भी आश्चर्य कर ले। रुचि बदले, रुचि बदलनी चाहिए। तीसरा है सम्यक चिंतन, अपनी समीक्षा, अपना अंतरावलोकन करो, आत्मचिंतन करो, तुम्हारी रुचि बदलेगी, विचारधारा बदलेगी, तुम्हारे अंदर उत्साह जगेगा सन्मार्ग पर चलने का। मैंने क्या खोया क्या पाया, जब इसका विश्लेषण करोगे तो जो व्यर्थ है उसमें और जो सार्थक है उसमें भेद दिखेगा, व्यर्थ की रुचि घटेगी और जो अर्थवान है उसके प्रति तुम्हारी रुचि और तुम्हारा उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ेगा। तो स्वाध्याय सत्संग, स्वाध्याय सम्यक चिंतन हमारी रुचि को बदलने का अनुपम आधार है। इनका आलम्बन लेकर अपनी रुचि को यदि हम बदलने में समर्थ होते हैं तो वो हमारे जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकती है। नियमित ऐसा कर्म हमें करना चाहिए जिससे मेरी रुचि बदले। रुचि बदलने के बाद फिर अब तक जिसके लिए मन राजी नहीं था अब हर पल उसके लिए राजी होगा, जिसके लिए मन तैयार नहीं होता था उसके लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। वो रुचि होनी चाहिए। तो बात आपकी तैयारी की है, अब अपनी रुचि आपकी जग गई तो आपको तैयार होना चाहिए। और आज आपको कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत है उसके लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको तैयार होना है तो अपने कल्याण के लिए तैयार होइए। किसके लिए तैयार होइए? आपने अपने जीवन में ढेर प्रकार की तैयारियाँ कर रखी है, करी है? जीवन के कल्याण की कोई तैयारी है? बोलो, नहीं है और आखिरी तक भी नहीं करेंगे, क्या हो गया? अगर तुम्हारे जीवन में तुम कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले तैयारी मेरे कल्याण की। तुमने दुनियादारी की खूब तैयारियां की, उसका खूब प्रबंध किया, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए कौन सी तैयारी है? पर तैयारी कब होगी? जब कल्याण के लिए तैयार होगे। कल्याण चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, कल्याण चाहते हो? सब अपने कल्याण के लिए तैयार हो? पक्का? बहुत अच्छे लोग हैं, सब कल्याण के लिए तैयार हो। मान लो अभी ऐसी कोई व्यवस्था बताऊं कि अभी अभी एक वैकेंसी निकली है और उसमें तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा कल्याण होगा, चलो हमारे साथ चलोगे? क्या बोलोगे? थोड़ा टाइम दे दो, है ना? यही हमारी दुर्बलता है। हम शब्दों में कल्याण की बात भले कर लेते हैं लेकिन भीतर से कल्याण की कोई तैयारी नहीं है। आप लोग कहते हो कल्याण होगा, हमें कल्याण करना है और हमारे अपने जीवन का उद्धार करना है, आगे जाकर सदगति में जाना है। सब चाहते हैं? कोई चाहता नरक जाना? कोई? कोई नहीं चाहता, इसीलिए तो मरने के बाद सब स्वर्गीय बन जाते हैं। मरणोपरांत सबको स्वर्गीय बना दिया जाता है,
एक भी नरगी नहीं बना, हालांकि ज्यादातर नरक ही जाते हैं, पर स्वर्गी, क्योंकि नरक कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग जाना चाहता है। तो भैया स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग जाने के लिए जो तैयारी आवश्यक है वो है, बोलो क्या है? कोई तैयारी नहीं है महाराज। ठीक है, जब अभी तो जिंदगी चल रही है, आखिरी समय होगा तब तैयारी कर लेंगे। कुछ लोग ऐसी आशा में जीते हैं। कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन प्री प्लान चलता है, नियोजित तरीके से चलता है, और कुछ लोग होते हैं इन मौके पर जो होगा देख लेंगे। जो नियोजित तरीके से काम करते हैं उनका सारा काम व्यवस्थित होता है, और जिनका काम अनियोजित होता है उनका संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित होता है। तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अभी जाओ, जिस भूमिका में हो वहीं से उसकी तैयारी करो, क्योंकि उसकी कोई उम्र नहीं। कल्याण करने का मतलब ये नहीं है कि अभी से तुम घर बार छोड़ दो। कल्याण के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि तुम त्याग तपस्या करना शुरू कर दो। कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रुचि को मोड़ो। मुझे कल्याण करना है, और उसे ही वरीयता दो जिसमें हित है। अहित के कार्यों से अपने आप को दूर करो, उससे बचो और बचाओ। अहित कर मार्ग में मुझे नहीं जाना, ये सोच अपनी बनाइए, तब कल्याण होगा। तुम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ो या ना बढ़ो, कम से कम ओम। कल्याण के पथ पर आगे बढ़ो या ना बढ़ो, कम से कम अकल्याण का काम न करने के लिए तो तैयार हो जाओ। अभी तो वो ही नहीं छूटता, कैसे होगा कल्याण? कुछ लोग बहुत पहले एक भजन गाया करते थे, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है, है ना, विनय कुमार पथिक का ये बड़ा प्रिय गीत था, कि कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। काली करनी से कल्याण किसका होगा? तो करनी सुधारना है, और करनी सुधारने के लिए अपनी रुचि बदलनी है। प्रथम चरण में मेरी रुचि बदलनी चाहिए। जो मुझे अब तक उपादेय लगते थे अब मेरे लिए वो हे लगने चाहिए। जिनके पीछे मैं पागल होता था अब वो मुझे व्यर्थ दिखने चाहिए। ये अगर तैयारी हो गई तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो अपनी प्रेरणा से अपने जीवन को बदल देते हैं, और कई लोग होते हैं जिनको कितना ही कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चिकने घड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं। क्यों? रुचि नहीं बदली। रुचि बदलो। अभी तक मैं पाप रुचि रहा, अब धर्म रुचि, और धर्म रुचि जगी तो मैं अब धर्म कार्यों में आगे बढ़ूंगा, और कदाचित धर्म कार्यों में आगे ना बढ़ पाऊं अधर्म का कार्य नहीं करूंगा। पहली तैयारी। सड़क पर आप लोग चलते हैं ना, कहीं ग्रीन सिग्नल होता है, कहीं रेड सिग्नल होता है, होता है? ग्रीन सिग्नल में गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओ तो कोई चालान होता है क्या? नहीं होता। लेकिन रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दो तो समझ में आ रही बात? ग्रीन सिग्नल है और तुम नहीं जाओ, तुम्हारी इच्छा, पर रेड सिग्नल है और तुमने उसे क्रॉस कर दिया तो चालान या दुर्घटना है ना। बस मैं आपसे कहता हूं, धर्म के क्षेत्र में
तुम आगे ना बढ़ पाओ कोई चिंता नहीं, ग्रीन सिग्नल है, नियम संयम ज्यादा नहीं ले सको कोई बात नहीं, पर जो रेड सिग्नल है, जो अकल्याण के कारण है, जो पाप हैं, जो निषिद्ध हैं, जो वर्जित हैं, उन पर अपनी गाड़ी मत बढ़ाओ, नहीं तो गए काम से। रुचि बदलना पहली तैयारी, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अब तक मैं जिधर जाता था उधर अब नहीं जाऊंगा, अभी तक जिन्हें उपादेय मानता था वो मेरे लिए हे हो गए, अब तक मैं जिनको ग्रहण करना चाहता था वो सब त्याज्य हैं, मेरी रुचि बदल गई, वो रेड सिग्नल उधर तो अब मैं नहीं जाऊंगा, ये पहली शुरुआत हो। मोड़िए अपने आप को, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रुचि बदलती है उत्साह बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है तो मनुष्य की वैसी वैसी तैयारी शुरू हो जाती है, फिर आगे बढ़ने की तैयारी, आगे बढ़ने की तैयारी भूमिका अनुरूप करो, सबसे पहले नियम लेना शुरू करो, फिर व्रत लेना शुरू करो, फिर संयम अपनाना शुरू करो। नियम, व्रत और संयम ये कल्याण के लिए एक बड़ी तैयारी है। छोटे छोटे भी नियम हो जिसमें तुम्हारा हित दिखता वो लेना शुरू करो। मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर चलना है, ठीक है। एक व्यक्ति 100 की स्पीड से चलता है, एक व्यक्ति 20 की स्पीड से चलता है, कम से कम रुका तो नहीं है, चल तो रहा है। तुम चलने की तैयारी करो, आगे बढ़ो, छोटे छोटे नियम लो। कई लोग हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम बिल्कुल नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करते और काम बिल्कुल नहीं करते। काम होना चाहिए, कोरी बड़ी बातों से कोई फायदा नहीं। कई लोग बोलेंगे अरे हमें ये करना वो करना, उनको देखो तो लगेगा ये तो बहुत बड़ी तैयारी में है, वैसी तैयारी नहीं। एक एक कदम चल करके हजार मील चलने की बात करो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो हजारों मील की बात करते हैं पर कदम एक भी नहीं बढ़ाते। एक एक कदम चलकर हजारों मील चला जा सकता है, हजारों मील की बातों से एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। हम एक कदम चले, ये छोटे छोटे नियम सतपथ पर बढ़ाया जाने वाला एक एक कदम है। मेरी तैयारी है, शुरुआती दौर से मेरी तैयारी हो, मैं छोटे छोटे नियम लूं, छोटे छोटे व्रत लूं, संकल्प लूं और अपने जीवन में छोटे छोटे संयम का अभ्यास बनाऊं जो मुझे मेरे कल्याण से जोड़ेगा। उसकी कोई तैयारी? प्रायः लोग क्या सोचते हैं, सब एक साथ करेंगे। एक साथ करने का वक्त भी मिलेगा? कोई भरोसा नहीं। आप अपनी तैयारी कीजिए, नियम, व्रत, संयम अंगीकार कीजिए, भूमिका अनुरूप यही अभ्यास आगे आपको ऊपर बढ़ाएगा, ऊपर उठाएगा। और इसे गौण कर दोगे तो कुछ भी घटित नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर बनी रहनी चाहिए। मुझे छोटा छोटा नियम कहते हैं, घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये तैयारी तो करो, इसके लिए तैयार। एक बार एक व्यक्ति थे, युवक था, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं कर रहा था,
मैंने उसे कई तरह से कन्विंस किया, वो मेरी बातों से कन्विंस भी हो गया, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने उससे कहा कि भैया कम से कम इतनी सब बातें सुनी हैं तो एक काम कर ले, तू मंदिर जाना शुरू कर दे। वो तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। मन जल्दी से तैयार नहीं होता, इसे तैयार कीजिए तब उत्थान होगा, और नहीं तो एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, सब धरा रह जाएगा। देखिए आप लोग यात्रा को निकलते हैं, ट्रेन में सफ़र करना होता है तो क्या करते हैं आप? रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, आराम से पड़े रहते हैं कि जैसे ही आपका मुकाम आने को होता है आप अपना सामान समेटना शुरू करते हैं, अपने लगेज को खींच करके क्या करते हैं, गेट के पास लाते हैं, छोटा मोटा सब सामान समेटते हैं। क्यों भैया? स्टेशन आने वाला है, अगर चूक गए सामान रह जाएगा, है ना? वहाँ तो तुम लोग ध्यान में रखते हो, इधर भी तो तुम्हारा स्टेशन आने वाला है, तैयारी क्यों नहीं? समेटो, अभी तो फैलाव में लगे हैं। नियम व्रत संयम अपने आप को समेटने का एक माध्यम है। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में आप नियम व्रत संयम के साथ अपने जीवन का थोड़ा विस्तार देना है दो, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में विस्तार नहीं, अपने आप को समेटने की कोशिश करो। अब फैलाव नहीं संकोच होना चाहिए, अपने आप को अब समेटना है। क्यों? अब मेरा पड़ाव आने वाला है, इन्हीं में उलझ जाऊंगा तो गया काम से। और एक बात बोलूं, अच्छी जर्नी कब होती है बोलो? जब सामान कम होता है ना? जितना ज्यादा लगेज उतना ज्यादा झंझट, है ना? है ना? अब आपके पास ज्यादा लगेज हो तो ट्रक या ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है, और थोड़ा कम हो तो आप अपने व्हीकल से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाना होता है तो और थोड़ा कम लगेज ले जाते हैं, जितना। और प्लेन से जाना हो तो नाप तौल करके जाते हैं क्योंकि लगेज झंझट वाला है। लेकिन आप देखिए, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपके पास 10 लगेज है तब, और आप केवल एक हैंड बैग लेकर के गए हैं तब, क्या अंतर है? जब लगेज हो ज़्यादा तब चिंता ज़्यादा, झंझट ज़्यादा, लगेज कम, गाड़ी रुकी, दन से उतर गए और चल दिए, बोले क्या हमको क्या करना है, है ना? तो भैया अब धीरे धीरे लगेज घटाना शुरू कीजिए, समेटिए, लगेज बढ़ाइए मत। बात समझ में आ रही? समझ में तो सब आती है। बस सब वही खेल है। लगेज घटाने का लक्ष्य रखिए, मुझे अब अपने आप को समेटना है, फैलाना नहीं है। यह आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों में गृहस्थों को अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने की कुछ व्यवस्था दी है। उसमें कहा चार आश्रम की व्यवस्था दी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य, विवाह के बाद गृहस्थ, गृहस्थी गृहस्थ में रहे, गृहस्थ गृहस्थी में रहे, सक्रियता से जीवन जिए,
अपने दायित्वों का निर्वाह करे और जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक धन संपत्ति जो जोड़ना है जोड़े, भूमिका अनुरूप जो राग रंग उसे करना है वो भी करे। गृहस्थ पूरी तरह से इन सब से मुक्त नहीं हो सकता, वो भूमिका अनुरूप होता है और उतना वो पाप का भागी भी होता है, लेकिन उसे इसे पता है कि ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि एक उम्र पार करने के बाद धीरे धीरे अपने गार्हस्थिक दायित्वों को कम करो और वानप्रस्थी जीवन जीना शुरू कर दो। गृहस्थी फैलाव का नाम है और वानप्रस्थी समेटने का नाम है। अब अपने आप को समेटना शुरू करो, घर में रहते हुए भी न रहने जैसी स्थिति में आ जा। अब किसके लिए विस्तार? मुझे जो अपने सांसारिक दायित्व थे उसका मैंने निर्वाह कर लिया, गार्हस्थिक कर्तव्य थे वो मैंने कर लिया, अब मुझे अपने पारमार्थिक कर्तव्य का अनुपालन करना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तैयारी करनी है, वो तैयारी मेरी होनी चाहिए। धीरे धीरे समेटिए। मैंने देखा 75-80 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी दुनियादारी नहीं छूटती, उसी में ही लगे रहते हैं, उसके पीछे ही पागल बने रहते हैं। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है भैया। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन, तुम्हारी संपत्ति सब यहीं धरी रह जाएगी। तुमने अपने आप को अगर ठीक तरीके से तैयार नहीं किया तो तुम्हारा अंत भी बुरा होगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अपने आप को तैयार करो, अच्छे से तैयार करो, समेटना शुरू कीजिए। वानप्रस्थी बनिए, यानी व्यापारिक और गार्हस्थिक दायित्वों को कम कीजिए और अपने आप को व्रत संयम में बांधने की कोशिश कीजिए। ये तैयारी है, व्रती बनो अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो। अव्रती बन करके तो ऐसे ही संसार में रुलते रहोगे, व्रती बनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पापों को छोड़ो, भले वो आंशिक रूप से छोड़ो, छोड़ो, वान प्रस्थी बनो, संयम और सादगी के साथ जीवन जियो, ये तुम्हारी तैयारी है। और ऐसी तैयारी यदि तुमने घटित कर ली तो तुम्हारा बेड़ा पार है, कोई नहीं करना चाहता, जो चल रहा है सब चलने दो। और बाद में होता क्या है, एक रोज हो जाता राम नाम सत्य, और क्या कहानी खत्म। राम नाम सत्य होता है पूरी कहानी खत्म हो जाती है, फिर हासिल कुछ भी नहीं होता। नहीं, जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत कठिनाई से मिला है, दुर्लभता से मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इस जीवन को पाकर वो तैयारी करो जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, जीवन का उत्थान किया जा सके, जीवनोद्धार किया जा सके, वो तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। वानप्रस्थी बनिए, यानी अब संसार में रहते हुए भी सांसारिकता मुझ पे हावी ना हो, भीतर से रस खत्म हो जाए, रुचि पूरी तरह बदल जाए। इसके लिए अपने मन को तैयार करो कि भैया बहुत कठिनाई से मनुष्य जीवन मिला है मुझे, मैं इसे व्यर्थ नहीं खोऊंगा, अपना कल्याण करना है, कल्याण की रुचि मुझे जगी है, तो अब अपने आप को बदलना है, वैसी तैयारी करो। है तैयारी महाराज? आप तो जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो, उसमें बदलने वाली बात मत करो। भैया मुझे क्या, मैं तो बोलना ही बंद कर देता हूं। जीवन तुम्हारा, बदलना तुम्हें है,
उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। एक बात ध्यान रखना, जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं बदला जा सकता, बदलता वही है जो बदलने के लिए तैयार होता है। आप तैयार होइए। उपदेश तो केवल आपको मोटिवेशन देता है, प्रवचन से तो केवल आपको एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा पाकर अगर आप अपने आप को तैयार कर लिए तो धन्य, और नहीं तो जहां के तहां। वाल प्रस्थी बनने का मनोभाव होना चाहिए। अपने आप को अब समेटना है, फैलाना नहीं है। खूब विस्तार दे दिया, अब समेटो। अब ज्यादा गुनाह भाग में मत लगो, शरीर थक जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। पता लगा आखिरी या तो पैरालिसिस में जाओगे या कोमा में पड़ोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन के आखिरी 10-10, 12-12 साल बिस्तर पर गए कोमा में, जिंदा लाश बन करके जिए, जो शेर की तरह जिए और कुत्ते की तरह मरे। एक नर्स या एक कंपाउंडर लगा दिया, वो उनकी सेवा है, बस नली से भोजन जा रहा, राइस ट्यूब से सब कुछ जा रहा है, वो बस मेंटेन हो रहा है। क्या काम? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक वजह है, तुमने अपने जीवन की ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया। व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले लोगों की ऐसी दुर्दशा होती है। इसलिए समय रहते अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, वान प्रस्थी बनने की तैयारी करो, मोड़ो, समेटो। बाल बच्चे बड़े हो गए, उनको कारोबार सौंपो। बहू अगर समर्थ है उसको घर का दायित्व सौंपो। अब तो स्वयं के उत्तरदायित्व को संभालो, जो स्वयं के प्रति आत्म कल्याण के कर्तव्य को देखो, पारमार्थिक दायित्व का निर्वाह करो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। भैया ठीक, मैंने जीवन का एक भाग जो संसार के लिए जीना था जी लिया, अब दूसरा भाग है वो अपने लिए, मुझे अपने लिए जीना है। ध्यान रखो, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित कर लो। क्यों? अभी तक तुमने पुण्य को खपाया है, खाली हो गए। जितना लेकर आए थे भोग लिया, कमाया कुछ नहीं। तो खाली होकर जाने की जगह भर कर जाने की तैयारी करो, और अच्छे कर्म में अपने आप को लगाओ, पुण्यार्जन करो, मोड़ो अपने आप को। तो समेटिए, समेटने की तैयारी, और समेटने के बाद आखिरी है सन्यास, साधना की तैयारी। जब तक अपने आप को समेटोगे नहीं, साधना नहीं कर पाओगे। साधना आगे की भूमिका है, जिसमें अपनी शक्ति को धीरे धीरे उद्घाटित करते हुए त्याग और तपस्या के रास्ते को अपनाओ। बाहरी और भीतरी साधना करो, शरीर को क्रश करो, कषायों को शांत करो। यह साधना तुम्हारे जीवन का उत्थान कराएगी, उसकी तैयारी। साधना करते करते इस दुनिया से जाऊं, संलेखना पूर्वक मैं देह छोड़ू, वो तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। जो एक बार संलेखना के साथ तुमने अपनी काया को छोड़ा, तो 2-3 भाव में तुम्हारा टिकट कटा, कोई रोक नहीं सकता। वो तैयारी होनी चाहिए। अभी से सोच बनाओगे, अभी से तैयारी करोगे, तब आगे वहां तक पहुंच पाओगे। केवल शरीर को पोसते रहोगे और गोरख धंधे में लगे रहोगे तो अस्पताल में ही मरोगे और कहीं नहीं जाओगे, वहीं मरना पड़ेगा। नहीं,
मुझे धीरे 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 पहले नियम व्रत आदि में लगना है, समेटना है, और धीरे धीरे अपने आप को व्रत में आ लगा करके अपने आप को समेटने की भूमिका में आना है, और आखिरी में साधना के मार्ग पर लगना है। ये तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। जो मुझे मौका मिला है मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इसे खोऊंगा नहीं, हर हाल में अच्छे तरीके से जीऊंगा, इसका पूरा रस लूंगा, मेरी तैयारी है। तैयारी का संबंध मैनेजमेंट से, आजकल तो मैनेजमेंट के बारे में खूब बताया जाता है, पर वो सब बाहरी मैनेजमेंट की बात है, धर्म भी भीतर के मैनेजमेंट की बात करता है। इनर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने जीवन के कल्याण की पूरी योजना बननी चाहिए, वैसी तैयारी होनी चाहिए, और उसी तैयारी के साथ जीवन बिताना चाहिए, तो कभी हम फेल नहीं होंगे, हमारा जीवन कभी विफल नहीं होगा। अनंत जीवन हमने व्यर्थ में गंवा दिया, ठीक है, जिस जीवन में ज्ञान नहीं मिला और हमने उसे व्यर्थ खोया, कोई गम नहीं, लेकिन ज्ञान पा जाने के बाद भी यदि हम जीवन को व्यर्थ बिताएं तो इससे बड़ा दुख है और इससे बड़ा गम और क्या होगा, यह हमें सोचने की बात है। दिशा मोड़ने की जरूरत है, तब हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो आगे साधना की तैयारी हो, लेकिन जब भी बोलो घबरा जाता है मन। वस्तुतः जिनके हृदय में अपने आत्मा के कल्याण की प्रगाढ़ रुचि होती है वे ही ऐसी तैयारी कर पाते हैं। आप तैयारी करिएगा तो काम बनेगा, और केवल बातें करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करते कुछ नहीं, कुछ भी बोलो तो कोई ना कोई बहाना रख देते हैं, इससे काम नहीं होगा। मुझे खुद को तैयार करना है, बहाना बनाने से क्या होगा, ध्यान रखना। कुछ लोग बहाना बनाते हैं और कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं। क्या बोल रहा हूँ, बहाना बनाते हैं और बहाना ढूंढते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में कभी बहाना मत बनाना, कल्याण के लिए कभी बहाना मत बनाना, कल्याण का बहाना ढूंढना जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। हाँ, पाप का मौका आए तो बहाना बना दो, बहाना बनाने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। अपने अंदर की वैसी तैयारी हो जो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बन जाए, जिसके बल पर हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सके, अपने जीवन को नई उपलब्धियों से भर सके, वो हमारी कोशिश होगी तो निश्चयतः वो हमारे जीवन की एक सार्थक उपलब्धि के रूप में होगी। आप लोग बातें करते, एक दो मित्र मिले आपस में और दोनों ने अपनी दिनचर्या की बात करना शुरू की। पहले ने कहा, भैया मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा घूमने फिरने जाता हूँ, योग करता हूँ, थोड़ा प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद आता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ, नाश्ता करता हूँ, और लगभग 9 बजे अपने दफ्तर चला जाता हूँ। रात को 8 बजे के बाद घर लौटता हूँ, थोड़ी देर भोजन करता हूँ, बच्चों के साथ मिलता हूँ, फिर न्यूज आदि सुनता हूँ, थोड़ा कुछ पढ़ता हूँ, और लगभग 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे का ये कोई दिनचर्या है, बड़े आलसी है, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हारी दिनचर्या क्या है? बोले, सुनो, मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनियों के उठने का वक्त है। 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, ऋषि मुनि उसी समय उठते हैं। उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, नियमित ध्यान पूजन करता हूँ,
ध्यान करता हूँ, स्तवन करता हूँ, उसके बाद मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, पूजन करने के उपरांत अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके फिर मैं अपनी कुछ फाइलें देखता हूँ और 10 बजे अपने दफ्तर के लिए जाता हूँ। शाम को 5 बजे आता हूँ, आते ही नित्य स्नान आदि करके कपड़े बदल कर भोजन करता हूँ और भोजन करने के उपरांत वहाँ से आकर भोजन करता हूँ। भोजन करने के उपरांत बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। रात में मैं प्रवचन सुनता हूँ, उसके बाद प्रभु का जाप करता हूँ। जाप करने के बाद 10 बजे सो जाया करता हूँ। सामने वाले ने सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्रभावित हुआ, बोला आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं। बोले कल से शुरू करने की तैयारी है, कल से ही शुरू करने की तैयारी है। तो भैया ऐसी तैयारी तो नहीं है तुम्हारी कि कल से तैयारी होगी, कल से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगी, आज की तैयारी तुम्हारी कल का आधार बनेगी। जो कुछ करना है हमें आज से करना है, तो अब अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार कीजिए, मन तैयार हो तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। बस ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक सूत्र आज के पूरे प्रवचन का, हमें अपने मन को तैयार करना है अपने कल्याण के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने जीवन की पवित्रता के लिए। यदि ये हो गया तो सब बातें अपने आप जुड़ जाएगी। मंगल भावना के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय, मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, धरती का हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं ना हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो जग में क्षोभ कभी ना हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो, राग देश औ मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस धरती के प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल धर्म सुमंगल, धर्म सुमंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल घन का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल तन का मंगल तन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धर्म धर्ममय हो,
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय। मंगल जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवासी विद्यासागर जी महाराज।